क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। दोस्तों ये दोनों ही पानी के खूंखार शिकारी हैं, जो देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो क्रोकोडाइल का मुंह वी शेप में होता है, जबकि एक एलिगेटर का मुंह यू शेप में होता है। इसके अलावा एलिगेटर सिर्फ साफ पानी में पाए जाते हैं, जबकि क्रोकोडाइल साफ और खारे पानी के साथ साथ दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। एक क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 3700 PSI तक होता है और ये लंबाई में 20 फीट तक बढ़ सकते हैं। साथ ही ये ज्यादा आक्रामक भी होते हैं, जबकि एक एलिगेटर का बाइट फोर्स 2100 PSI तक होता है और ये केवल 18 फीट तक बढ़ सकते हैं। साथ ही ये कम आक्रामक होते हैं। एलिगेटर अपना मुंह ज्यादा नहीं खोल सकते, जिससे छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं। और इसके अलावा क्रोकोडाइल अपना मुंह एलिगेटर से काफी ज्यादा खोल सकते हैं, जिससे छोटे जानवरों के साथ साथ बड़े जानवर का भी शिकार कर लेते हैं। और अगर क्रोकोडाइल और एलिगेटर का आमना सामना होता है तो इस लड़ाई में क्रोकोडाइल के जीतने के काफी चांस है। वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।